मंजर नहीं देखा, अफसोस कि मेरे दिल के अंदर नहीं देखा, अफसोस कि मेरे दिल के अंदर नहीं देखा। दिल टूटने का दर्द तुम क्या जानो, दिल टूटने का दर्द तुम क्या जानो, जिसने कभी ये लम्हा जी कर नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं आप सबका शंग्रीला से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आज जहाँ पर हूँ वो फिजी का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा रिजॉर्ट है, यानी कि शंग्रीला। कभी मौका मिले तो ज़रूर आके देखना। ओके, तो मैं अभी जहाँ पर हूँ देख सकते हो, समंदर के किनारे खड़ी हूँ, जो मुझे सच्ची में बहुत पसंद आता है। आप हमेशा बोलोगे हमेशा समंदर के किनारे मिलती हो, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो आज का जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस है, मगर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हंसी खेल में, थोड़ा सा अच्छे से लाइट मोड पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो जैसे कि आपको मेरी पहली कुछ लाइनों से समझ आया कि भैया अगर किसी ने वो दर्द को महसूस नहीं किया, वो फील को अगर जी कर नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में ऐसा कोई लम्हा आया ना हो कि जब उसे प्यार न हुआ हो। प्यार कहते हैं ना, प्यार एक ऐसा शब्द है जो भाई कईयों का तो पूरा भी नहीं होता। पूरा होगा कैसे जब प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, प्यार तो कैसे पूरा होगा, है ना। बट कोई बात नहीं, जिनका पूरा हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ, दिल टूटने के दौर से गुजरे हैं या ब्रेकअप के दौर से गुजरे हैं, तो आप सबके लिए कुछ टिप्स है मेरे लिए, मेरे पास में, कि भाई आप अपने आप को कैसे उस चीज़ से निकाल सकते हो, या ब्रेकअप के दर्द से आप अपने आप को कैसे उभार सकते हो, या कैसे अपने आप को वापस ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाए। कुछ इस तरह के कुछ छोटी छोटी बातें जो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखो, जो ये टाइम होता है, ये हम किसी के भी लाइफ में ना बहुत ही दर्द भरा और बहुत ही मतलब अपनी ज़िंदगी को हम बिल्कुल बदल के रख देते हैं, या तो बिल्कुल फर्श अर्श पर पहुंच जाते हैं, या फिर अर्श से बिल्कुल फर्श पे आ जाते हैं, यानी कि ज़मीन से ऊपर आसमान की छलांग मार सकते हैं या आसमान से बिल्कुल ज़मीन पे आ सकते हैं। तो ये हमारे हाथों में है कि हम अपने आप को तोड़े या बनाएं, है ना। लेकिन हमें अपने आप को तोड़ना नहीं, हमें अपने आप को बनाना है, अपने आप को बिल्कुल वापस जीना है। तो उसी जीने को लेके जो हमारी बातचीत है वो है, देखो सबसे पहला तो क्या है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई दोस्त ना हो, है ना। तो कोई एक ऐसा आप अपना ब्रेकअप बडी बनाओ, वो इस वजह से क्योंकि वो वैसा होना चाहिए जो आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में हर चीज़ जानता हो, है ना। क्योंकि आप जब उससे डिस्कस करोगे ना किसी चीज़ को लेके, तो वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए, उसको पता हो कि हाँ आप क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में क्या क्या चीज़ें कह रहे हो, क्योंकि वो उसे भी जानता हो, है ना। तो आप एक ब्रेकअप बडी बनाओ जिसके साथ आप अपनी हर चीज़ें शेयर कर सको, हर चीज़ें जो आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं या जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ये हुआ वो हुआ, व्हाटएवर कुछ भी, हर चीज़ आप उसके साथ में शेयर करो, एक अपना ब्रेकअप बडी। और आप भी ना अगर कहीं आप इसी दौर से अगर गुजर रहे हो कि आप किसी के ब्रेकअप बडी बने हुए हो, तो आपको बहुत बहुत एडवांस में मैं ढेर सारी बधाई दूंगी, क्योंकि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, बहुत भला काम कर रहे हो। क्योंकि किसी को ज़िंदगी के उस मोड़ से निकालना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है यार, बहुत बड़ा काम, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो अगर आपका कोई दोस्त ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है और आप उसके अगर ब्रेकअप बडी का काम कर रहे हो, तो आप उसको बहुत सारी हेल्प करो और जितनी हो सके अपनी तरफ से, क्योंकि जब वो उबर जाएगा ना उन सबसे, उसके बाद उसकी ज़िंदगी जब वापस ट्रैक पे आएगी ना, आपके चेहरे की खुशी अलग होगी, आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में एक अच्छा काम करा, अपने दोस्त को उस तकलीफ से आपने निकाला। दूसरा क्या होता है कि आप चीज़ों को लेके थोड़ा सब्र रखें, ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो हर बार आपसे सेम चीज़ें बार बार आपको रिपीट करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, मैंने उसकी हर चीज़ें मानी, मैंने उसका अपने लिए हर चीज़ें उसकी तरफ से जो वो चाहता था या चाहती थी मैंने हर चीज़ उसके लिए करी, मगर फिर भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, मतलब वो बार बार वही सब चीज़ें अपने ब्रेकअप बडे से पूछता रहेगा ना। लेकिन उसको इस चीज़ से इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि उसको समझाना है अभी कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तुम्हारे लिए हो सकता है कोई और होगा जो तुम्हारे लिए बहुत बेटर, बहुत बेस्ट होगा इनफैक्ट ना, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी आप गुजार सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेके आपको उसे समझाना होगा, या उसके साथ अपनी बातों को लेके आपको डिस्कस करना होगा, उसे मतलब कहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम आपको बनना पड़ेगा, उसका बहुत ज़रूरी है ना। तो आप उसके साथ ये चीज़ ज़रूर करोगे। दूसरा एक और होता है कि अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को 60 डेज़ का टाइम दें। अब आप पूछोगे भैया 60 डेज़ ही क्यों, 60 डेज़ में क्या कुछ नया हो जाएगा, लेकिन 60 डेज़ में ऐसा मैजिक हो सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ बिल्कुल, 60 डेज़ आप अपने आप को ऐसे दो इस तरह से कि आप उसके पास बिल्कुल भी लौट के ना जाएं, न उसे फ़ोन करें, न उससे बातें करें, न उसके उस जगह पे जाएं जहां आप कभी मिलते थे उससे, या कुछ भी ऐसा कुछ भी मत करो।
सिर्फ अपने आप को बिल्कुल हटा लो वहाँ से, एकदम निकाल लो, और इन 60 डेज में आप अपने लिए कुछ एक ऐसा काम अपने लिए स्टार्ट करो कि आपको करना है, जिसको आप बिल्कुल, क्योंकि शुरू में बहुत मुश्किल होगा कि आप बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्यों होगा ही नहीं, क्योंकि आप जब दिल के अंदर इतने बिल्कुल वो कहते हैं गुब्बारे इतने ज़्यादा हैं दिल के अंदर, तकलीफ़ों के, दर्द के, दर्द का जो सैलाब दिल के अंदर बहता है, जैसे दिख रहा समंदर कैसे बह रहा है, उसी तरह से दिल की तकलीफ भी वैसे ही बहती है, उस वक्त कुछ भी नहीं हो पाता है। मगर वही एक वक्त है 60 डेज़ का जब आप अपने आप को आपको स्ट्रांग बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौट के नहीं जाना, मैंने नहीं फ़ोन करना, मैंने नहीं कुछ बात करनी, मैंने उस उन सब जगहों पे भी नहीं जाना जहाँ कभी मिलते थे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक 60 डेज़ का टाइम अपने आप को, ये जो 60 डेज़ का टाइम है ना, ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई 60 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे अपने आप को उससे निकाल लूँ। लेकिन 60 डेज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा एक बढ़िया सा ट्रिक आपको देती हूँ। आप ना आपने जो कभी अपनी डायरी बनाई थी या कोई बकेट लिस्ट आपने बनाई थी कि मुझे कभी किसी टाइम पर मुझे ये सब चीज़ें करनी है फ्यूचर में, है ना, कभी करने हैं, उन कभी को अभी में कन्वर्ट करना। यानी कि सपोज आपने सोच के रखा हो कि मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो जो कुछ आपने सोच के रखा था ना वो इन 60 डेज में आप करो, तब आपको लगेगा ये तो 60 डेज भी बहुत कम हो गए मेरे लिए। हाँ सचमुच ऐसा फील होगा, क्योंकि जो जो आपने चीज़ें सोच के रखी है ना उन सब चीज़ों को अभी आप कर सकते हो, और बिल्कुल, और उसके बाद में आप इतने, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको ऐसा कुछ चाहिए कि बस एक क्लिक होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें क्लिक होनी चाहिए कि आप वो जो दर्द और तकलीफ़ों का जो दौर है उससे निकल के अपने आप को दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर पाओ, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो शिफ्टिंग के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ अपने लिए कर सकते हो। ओके, एंड और क्या होता है, और ये है कि भाई देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि भाई कभी भी ना, पता है मन बहुत करेगा, दिल बहुत करेगा कि ना एक बार उसकी आवाज़ सुन लो, एक बार उससे बात कर लो, एक बार उसको देख लूँ, उसके ऑफिस के बाहर जाके उसको एक बार मिल के आऊँ एक बार। मगर वो एक बार ना मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार वो कर लिया तो जितनी कोशिशें आप कर रहे हो अपने आप को उन सब चीज़ों से निकालने के लिए आप कर नहीं पाओगे, आपको फिर से वो चीज़ें याद आएंगी, फिर से उस तकलीफ़ के दौर से आप गुजरोगे, क्योंकि वो आपको कमज़ोर कर देगा, आपको कहीं ना कहीं जो आपने अपने अंदर जो स्ट्रेंथ लेके आए ना वो आपको वीक कर देगा। तो कोशिश करके ये 60 डेज में अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर ये दौर आप पार कर जाओगे ना, ये 60 डेज का अगर ये आप निकाल दोगे टाइम, तो उसके बाद में क्या होगा, आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको अपने आप को स्ट्रांग फील होगा, फिर क्या है आप मिलोगे उसे, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि नहीं मिलना, कभी मिलोगे, बात भी करोगे, जाओगे हर चीज़ें, लेकिन आप क्या है अपने अंदर से आपके अंदर ना एक वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप अपने आप को संभाल पाओगे। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है ऐसे टाइम के बाद, अपने आप को वापस पाना, उस चीज़ से निकलना, तो वो आप अपने आप को अगर पाना चाहते हो तो ये 60 डेज़ का टाइम आपको ज़रूर से ज़रूर निभाना है। पर ऐसा नहीं है दोस्त, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है थोड़ा टाइम का तकलीफ़ और दुख होता है, हमारे अपने भी तो होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, तब भी तो हम जीते उनके बिना, ऐसा तो नहीं है कि हम रह नहीं पाते, मुश्किल होती है मगर फिर भी जीना सीख जाते हैं ना उनके बिना रहना। तो ये भी एक दौर है, कुछ ख़त्म नहीं होगा, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी आपको बख्शी है ना, जो आपको सबसे कीमती चीज़ आपको मिली है उस जीवन को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसको जियो, ऐसा नहीं कि कोई चला गया तो आप उसको ख़त्म कर दो। और भी तो बहुत सारी चीज़ें, आपके पेरेंट्स भी तो हैं जो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, दुनिया में कहीं ज़्यादा आपको चाहते हैं, और आपके सपने भी तो हैं जो आपने कभी सोचे थे, देखे थे अपने लिए, उनको कब पूरे करोगे, उनको पूरा करने का भी यही वक्त है। ऐसे टाइम पे अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट अगर चेंज होता है ना तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना भाई नज़रें बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, बिल्कुल, तो अगर नज़रें यानी अपना नज़रिया बदल लोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ज़रूर करना है। तो दोस्तों जो ये टाइम है ना आपका, इसको आपको ना अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है यार कोई किसी के लिए बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती है, किसी को काफ़ी टाइम लगता है, मगर ऐसा नहीं आप इसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराना कि भाई मैंने को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यानी मैं बहुत ज़्यादा बुरी, कोई बात नहीं, आराम से तसल्ली से अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना टाइम लेके आप अपने आप को उस चीज़ से निकालो, अपने आप को पाना है, खोना नहीं है, पाना है, है ना। तो इसी पाने को और खोने को लेके मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं जिसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगी, वो है फाइंड योर पैशन एंड लिव इट।
इसके दो पार्ट है. अगर आपने डायरी वायरी कुछ अगर मेंटेन नहीं करी है या कुछ ऐसा है जो आपने अपने लिए नहीं लिखा है, कुछ बकेट लिस्ट अगर नहीं बनाई है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि आपको क्या क्या करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ना. क्योंकि ज़रूरी नहीं है यार हर कोई सेम सिचुएशन पे हो या सेम जगह पे हो, सेम तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हो ना. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों तक बहुत दूर हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं. तो उन सबको हेल्प करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है और जिसका लिंक इसमें रहेगा, आप देखना. और उसके बाद में अपनी वो चीज़ें हैं आपने आपको फाइंड कैसे करना है. आई होप सो आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया हो. मैंने कोशिश करी है ईमानदारी के साथ कि भाई आपके लिए कुछ इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आ पाऊँ जो आपको हेल्प कर सके, आपके जो ये दौर है आपका ये दौर बहुत अच्छे से निकल जाए और बहुत आराम. और दोस्तों सबके साथ सब तरह की चीज़ें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है आप दुनिया में पहले इंसान नहीं हो जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही है. हर किसी के साथ ये सब एक वक्त है, दौर है, सब गुजरता है. और कहते हैं ना भाई दौर आता है और गुजर जाता है, और ये भी गुजर जाएगा, लेकिन इस गुजरे हुए दौर में आपको अपने आप को पाना है. ओके, खोना नहीं है. तो इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप सबको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपका 2021 ना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए. ओके, तो इसी तरह के वीडियो लेके आती रहूँगी और आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ढेर सारे कमेंट आप करते रहना. ओके, एंड जब तक नया वीडियो नहीं लेके आती हूँ तब तक के लिए प्यारी सी आपके लिए. चलो ठीक है, बाय.